अच्छा ठीक है, बस कह रहे ना आप लोग। सॉरी अम्मी, अम्मी प्लीज। ठीक है ना, मान गई ना? मुझे लगता है हाई हील्स इस ड्रेस के साथ बिल्कुल ठीक नहीं लगेंगी, है ना? और हाँ, पर्ल नेकलेसेस के साथ अच्छा लगेगा ना? और अगर स्टाइलिश सा मैसी सा बन होगा तो भी अच्छा लगेगा। वैसे मुझे लगता है खुले बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत ज्यादा डार्क मेकअप तो उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सही कहा। Aşkınan bu şey var ya, öyle tuhaf ki sorma. Onsuz olmuyor asla, nereden çıktı karşıma. En yalnız kalpler bile severmiş sonunda. Varsın eğlensin ruhumuz aşkın. हाँ तो आयास भाई, अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। यानी अब बाकी की जिंदगी अपनी जान जीने के साथ गुजारनी होगी। यार हाँ, जबरदस्त। देखो ना, हम तुम्हारा वेडिंग सूट लेने के लिए आज घूम रहे हैं इस मार्केट में। तो तुम्हारा वेडिंग ड्रेस कब खरीदेंगे? पता नहीं, पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो पूछ लूं। अब एक मिनट, किससे? रोशनी से। अच्छा वाकई ये चल रहा है? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं नहीं चाहता था कि सब तुम्हें छोड़कर मुझ पर ध्यान दें। छुपाने वाली कौन सी बात है, जब वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा। यकीन करो मैं बहुत खुश हूँ। वेल मैं भी। अगर हम कुछ देर और रुक जाते तो हमारी शादी एक साथ हो जाती है ना? जो हुआ सही हुआ, इस वक्त तुम बस अपनी शादी एंजॉय करो बिना किसी मुश्किल के। बस 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 बस, वैसे ठीक कह रहे हो यार। चलो चलो। बिराल? हाँ, अरे आप कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तो बताएं, आप यहाँ रोज आते हैं, आखिर क्या चक्कर है, कहिए। एक्चुअली आपसे मिलने के लिए आया था। हाँ, मतलब मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आखिर आपने मुझे इतनी अच्छी भिंडी बनाकर खिलाई थी, तो मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए ना। आप भी भिंडी बनाएंगे? हाँ, लेकिन सिर्फ भिंडी नहीं, मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन कुछ और भी। मतलब आप मेरी बात का मतलब समझ गए ना? बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी, लेकिन आज रात तो मुझे अनम साहिबा के घर जाना है जीनिया की शादी की तैयारियों के सिलसिले में। लेकिन हम बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे, मेरा ये वादा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप इंजॉय कीजिएगा वहाँ। शुक्रिया। तो मैं चलता हूं अब। ओके, सी यू।
अगर मैं आपकी जगह होती तो ये बुक कभी ना लेती। क्यों? शायद आपकी शादी होने वाली है ना? जी हाँ, इसी वीकेंड पर। तो इस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, एक काम जरूर करेगी कि आपका दिमाग खराब कर देगी। आगे आपकी मर्जी है। क्या वाकई में? मेरा तो यही ख्याल है। चले, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़। थैंक यू। मेरी जिंदगी का सच है ये कोई ख्वाब नहीं। मैंने सब खोया शादी की पहली रात। तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो क्या दूसरा भी शादी ना करे? जिसका जो दिल चाहता है लिख देता है उठा के, बाहर में जाए ऐसे सारे राइटर। जन जन है, ये देखो मेरा वेडिंग सूट। बहुत खूबसूरत है जैक, तुम वाकई बहुत हैंडसम लगोगे। एक और बात, शादी के बाद मैं तुम्हें ये सब नहीं पहनने दूंगी। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। थैंक्स टू ज़ावियर जो मुझे परफेक्ट शॉप पर ही ले गया, और ये लेने में सिर्फ 10 मिनट लगे। हाय अल्लाह मियां, एक मेरी हालत देखो जरा। 10 घंटे लगाने के बाद भी एक भी चीज समझ नहीं आई है मुझे। अरे हैरत हो रही है, इतनी अच्छी फैशन डिजाइनर हो फिर भी ये हाल है। यही तो प्रॉब्लम है। खैर चलो छोड़ो ये सब बातें, देखो मैं क्या लाया हूँ। इनविटेशन कार्ड सिलेक्ट करो। लाओ जल्दी। तो ये लाओ, इसमें से देखो। टू क्लासिक, ये तो बहुत सादा है। ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी बस ठीक ही है। ये तो फजूल सा है, ये भी फजूल। तौबा है, क्या लेकर आए हो ये? आई है अजीब। अयास, ये जबरदस्त है। मैं दिखाओ जरा। वैसे मुझे भी यही पसंद आया था। हाँ जानती हूँ, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो उसमें एक ही चीज की कमी है सीनिया। क्या कमी है यार? ये तुमने तरबूज क्यों बनाए हैं कार्ड पर यार? तरबूज नहीं है। एप्पल्स? नहीं, नारियल। अयास क्या कह रहे हो तुम ये सब? अरे मेरी जान, ये चेरीज है, चेरीज। ओ, वैसे अगर सच कहूं तो ये चेरीज तो कहीं से भी नहीं लग रही है अयास। क्यों नहीं लग रही? मैं एक आर्किटेक्ट हूं और मुझे ड्राइंग के पैसे मिलते हैं। तो फिर तुम सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाया करो, क्योंकि वही एक काम है जो तुम कर सकते हो। फ्रूट्स की कोशिश मत करना आइंदा। ये तो हम लग रहे हैं बिल्कुल। हम ही हैं मेरी जान। बैठो बैठो, भूखा हो गई है। अच्छा ठीक है। ओय 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 ओय, हाँ लाओ इधर, मुझे दे दो। तो क्या हो गया सिबिल, मैं भी तो पिला सकता हूँ ना। यार तुम ठीक से नहीं पिला पाते हो ना। मैं ठीक से पिला दूंगी, माँ हूँ इसकी। यार मुझे समझ नहीं आती तुम हर मामले में मुझे डिग्रेड क्यों करते हो, आखिर मैं भी तो उसका बाप हूँ ना। मुझे ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा बस भी कर दो शामीर, मुझे बताओ कितनी दफा पिलाया होगा तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा, ना मुझे फीडर पिलाने देती हो और ना ही मुझे उसे बाहर ले जाने देती हो। मुझसे ज्यादा तो इसके करीब इसकी बेबी सिटर है, आखिर ये सब क्या है? चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा मैं, जा रहा हूँ मैं कैफे। आखिर ये कौन सा वक्त है कैफे जाने का? शामीर, फातिमा साहिबा ये बताइए आप कैसे संभालती हैं अपने ट्विंस को? क्या मतलब? मतलब कि बच्चे संभालना तो बहुत मुश्किल काम है ना। हाँ मुश्किल काम तो है, लेकिन खुश भी हूँ कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। लेकिन कभी कभार बहुत मैं पागल हो जाऊंगी, हर तरफ यही बकवास है। ये क्या चीज़ है? जा सकते हैं, मगर किसी से पूछना नहीं चाहिए।
मुझे। क्या मुसीबत है यार। हेलो शायमा। साविया, यहाँ चूहा आ गया है। चूहा नहीं होगा, मिकी माउस कहकर पुकारो उसे। ये मजाक करने का वक्त नहीं साविया, सच में घर में चूहा घुस गया है, मैं क्या करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। मैं आपसे सुकून से अकेले में ही बात करना चाहती थी, मतलब जब बच्चे घर पर ना हो। वैसे भी मेहमत को अचानक ही कुबा जाना पड़ गया, तो जाहिर है हमें ही ये सारे काम संभालने होंगे। अच्छा तो आप बताएं, शादी के लिए क्या ख्वाहिशात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जैसे मैं अपने बाबा के घर से रुखसत हुई, जीनिया की रुखसती पे भी ढोल बाजे बजने चाहिए ताकि पड़ोसियों को पता चल जाए। अच्छा मजाक था वैसे। मतलब आप सीरियस हैं? आपको हमारी भी माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ये अम्मी की ख्वाहिश है। सच में क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो? तुम तो यंग हो और वैसे भी आज के दौर में ये सब अच्छा नहीं लगता। इसमें क्या गलत बात है? मिराज साहिबा, आई एम सॉरी, मतलब मैंने कुछ डिफरेंट सोचा था, जैसे 5-स्टार होटल, ऑस्कर जैसा रेड कार्पेट, इवनिंग लाइट, ये मतलब था मेरा। अच्छा अच्छा, रिवायत है ये हमारी। घोड़े की भी तो रिवायत है, तो क्या अयास को घोड़े पर भेज दें? ओह ये तो मैं भूल गई थी, अच्छा हुआ याद दिला दिया। बिल्कुल घोड़ा भी चाहिए हमें। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, जाते हुए घोड़ा और आते हुए अयास गाड़ी में आएगा। फिर तो आपको रिवायत कॉस्ट्यूम डांस भी चाहिए होगा। तो आपके मॉडर्न कपड़ों से तो बहुत अच्छे होते हैं वो रिवायती कपड़े अनम साहिबा। मुझसे कह रही हैं आप ये बात, फैशन वुमन डिजाइनर से? जी जी बिल्कुल आपसे ही कह रही हूँ। क्या कह रही हैं मुझसे? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, यही कहा मैंने आपको। हाँ ये म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हम इसे वॉक करके आ सकते हैं। अयास, जैम तुम्हें कॉल कर रहा है। जैम कर रहा है? रिश्ते में मेरा साला भी तो लगता है। हाँ बोलो मेरी जान। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं, अम्मी और अन्ना मंटी की लड़ाई हो रही है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, बस जल्दी आ जाएं। क्या? अब ठीक है मैं बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ, सब ठीक है? यार मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम की आपस में लड़ाई हो रही है, जैम ने ये फोन बताया मुझे, शायद शादी को लेकर कर रही होंगी। हद है यार, ये लोग इतने बड़े होके बच्चों वाली हरकतें करते, शादी खराब करेंगे क्या? ओफ। चलो दोस्त चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तंग मत करो, डर रही है वो। यार ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ तुम उसे पकड़ने के बजाय उसे ऐसे लग रहा है कि डिनर की दावत दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार तो मैं और क्या करूँ, मार दूँ क्या उसे? उसे मार दो नजाब यार, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये औरतें कितनी जंगली होती हैं अंदर से। चलो जल्दी से बाहर आओ, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। तुमने सुना नहीं अभी शायमा मैडम ने क्या कहा है? देखो मुझे टेंशन में मत डालो, जल्दी से बाहर आ जाओ। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। ये तो वाकई बाहर निकल गया यहाँ से। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि बाहर आ जाए। लेकिन उसे रास्ता मालूम है, वापस भी तो आ सकता है वो। ठीक है मुझे पता है क्या करना है, तुम डरो नहीं और मैं भी नहीं डरता इन छोटे चूहे वगैरह से, सच में। हद है साफ यार। मैं बहुत घबरा गई थी इसीलिए तुम्हें कॉल की, कुछ और समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पता नहीं वो चूहा कहाँ से आ गया, इसीलिए घबरा कर तुम्हें कॉल कर दी। मैंने तुम्हें यहाँ किसी बहाने से नहीं बुलाया, मतलब तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? बस यही समझा रही हूँ। कोई बात नहीं शायमा, तुमने प्रॉब्लम में मुझे कॉल कर दी, इसमें गलत फहमी की हरगिज कोई बात नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। यार तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, चाहे चूहा ही क्यों ना भगाना पड़े तुम्हें, बिना झिझक कॉल कर लेना। अच्छा फिर चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। मेरी गाड़ी उस तरफ वाले गेट पर खड़ी है। हाँ।
आवाज आओ। मिराल साहिबा चाहती हैं कि जीनिया की शादी पुराने तकियानों से रवायती अंदाज में हो, ढोल बाजों के साथ। अब ये पूरे गद्दे बिस्तर समेत पूरा जहेज भेजेंगी हमारे घर। अच्छा आइडिया है ये, आप बिल्कुल ऐसे ही मुझे हमारी रिवायती याद दिलाती जाए अनम साहिबा। फिर तो आप ये भी चाहती होंगी कि बंदूकें वगैरह भी चले शादी में, है ना? क्या मैं आपको माफिया खानदान से लगती हूँ? यार अयास, इन दोनों को देखो कितने बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में भी प्यार नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा मजा नहीं आ रहा। मजाक नहीं करो, मेरी बेटी भी वैसे ही रुखसत होगी जैसे मैं अपने बाबा के घर से रुखसत हुई थी, समझ गई? ढोल बाजा भी होगा उसमें, ठीक है, और बारात भी घोड़े पर ही आएगी। लेकिन मुझे घुड़सवारी नहीं आती अम्मी, डर जाऊंगी। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली तुम गाड़ी से तो नहीं डरोगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे पसंद नहीं, इसकी वजह यह है कुछ नया होना चाहिए ना, हर दफा दुल्हन गाड़ी में ही क्यों जाए? कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं ना, हम बग्गी का अरेंज कर लेते हैं और उसमें आपकी पसंद के अच्छे से रोमांटिक म्यूजिक लगा देंगे ताकि सबकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। नहीं यार, ये तरीका भी पुराना है, रहने दो, उस पर इतना वजन डालना अच्छी बात नहीं है। हाँ ना, देखिए जीनिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते अपनी शादी पे। अच्छा ठीक है, फिर जैसी आप दोनों की मर्जी। हाँ लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, अच्छा आइडिया था तुम्हारा वैसे। हमारी मर्जी शामिल करके तुमने बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ, वैसे वो ढोल बाजे वाला आइडिया भी इतना बुरा नहीं है, कौन सा पूरी शादी में बस वही बचता रहेगा। ये क्या कह रहे हो यार, और मैं तो बस हमारी रिवायत बता रही थी। क्या मसला है मॉम, ठीक है ना, बस इन्हें करने दीजिए, इनका दिल चाह रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, खुश। मैं चाय बना के लाती हूँ सबके लिए, अयाज तुम मेरी मदद करोगे क्या? हाँ क्यों नहीं। सीने तुम ये क्या कर रही हो? करने देना जो इनका दिल चाहता है, यही करना था मुझे, आ गया मजा अब तुम्हें। क्या कर रही हो ये? क्या बोले जा रहे थे वहाँ बैठ के, जैसे अम्मी कहेंगी वैसी ही शादी होगी। हाँ मतलब तुम्हारी अपनी कोई भी ख्वाहिश नहीं है इसको लेके आयास, मतलब अब जिसका जो भी दिल चाहेगा तुम करने दोगे उसे, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या हुआ उन सबका? जीनिया मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्यों इतनी बहस कर रही हो तुम मुझसे? अच्छा तो गलत कर रही हूँ मैं, मतलब जैसे कि हम यहाँ बेकार बहस कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी मॉम बेकार में बहस कर रही है। अच्छा वाकई, तो इसका मतलब तुम्हारी अम्मी तो फरिश्ता है ना अयास? चलो तो फिर मैं माफी मांग लेती हूँ, ठीक है? देखो मेरी मॉम के बारे में कुछ भी गलत कहने की जरूरत नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ठीक है? रहने दो अयास, जो भी चल रहा है सब दिखाई दे रहे हैं मुझे, इडियट। यार कुछ बोलने से पहले ना सोच ले करो तुम किससे बात कर रही हो, ठीक है? यार वो अभी तक मेरा फोन नहीं उठा रही, क्या करूं मैं? नहीं उठाएगी यार, 5 साल पहले जब तुम लोग मिले थे तो तुम लोगों ने क्या शादी के बारे में सोचा था? नो लेकिन लड़कियां सोचती हैं, लड़कियां 20 साल की उम्र से ही शादी की प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं, और जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो चीजें बिगड़ने लगती हैं, कन्फ्यूजन भी बढ़ जाती है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूँ। तो तुम्हारे ख्याल से मुझे अब क्या करना चाहिए? देखो अगर तुम बिल्कुल ठीक हो और जीनिया ठीक नहीं है तो उस बात को छोड़ देना, नई सुबह से नई शुरुआत ले लेना, मैं तो यही जानता हूं। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा, वैसे भी शादी में 4 दिन रह गए हैं बाकी, तो फिर अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? तुम बताओ मुझे, तुम्हें ड्रॉप कर दूं मैं घर पे? नहीं यार, मैं थोड़ी देर में वापस जाऊंगा, यहां तो अभी कोई कस्टमर्स भी नहीं है, अकेले बैठ के क्या करोगे यार? कुछ नहीं, बस टाइम पास करूंगा अपना। बात सुनो मेरी, सिबल से लड़ाई हुई तुम्हारी? खाली रिंग पहनाने से बात नहीं बनती, असल जिंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है। चलो बताओ मुझे आखिर क्या हुआ है। कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातें होती रहती हैं शादी के बाद, फिक्र मत करो, अभी तुम्हारी नहीं हुई ना, होगी तो पता चल जाएगा। फोटोग्राफर को मुझे ईमेल सेंड करनी थी और शुक्र के खुदा का मैंने अलार्म सेट किया हुआ था, याद ना रहता तो प्रॉब्लम हो जाती। चलो ठीक है फिर, मैं चलता हूँ यहाँ से, परेशान मत होना, समझ गए? जाओ अयाज, जितना एंजॉय करना है कर लो अभी, शादी करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल।
यार हर दफा क्या मैं ही सफर करूंगी अम्मी, यानी आपने नहीं सुना जो अयाज ने कहा था उस वक्त? मुझे अयाज से ये उम्मीद नहीं थी, वो आपके लिए कुछ भी नहीं बोला वहां पर, मतलब मैं जो भी सोचूं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। देखो बेटी, हर रिश्ते में इस तरह के छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब्र करो। आप मुझे ही क्यों कहती हैं अम्मी? वो वहां बैठ के सिर्फ बकवास कर रहा था अम्मी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्यों परेशान हो रही हो? चलो अब सो जाओ तुम, परेशान ना हो मेरी प्यारी बेटी, ठीक है ना? अल्लाह तुम्हें परेशानियों से महफूज रखे। मैं तो समझती थी शादी के बाद मजे करूंगी मैं, लेकिन मुझे तो अभी से मुश्किलात नजर आ रही हैं यार, आगे क्या होगा? अम्मी की सुनो, उसकी अम्मी की सुनो, अयास की सुनो, बस यही करती रहूं मैं, और तो कुछ है नहीं। गुड मॉर्निंग आपा। इधर दिखाओ। अरे यार ये सिबिल ने भेजा होगा, मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में दो आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हें? नहीं आपा, ये तो अयाज भाई ने भेजे हैं। अयाज ने? लाओ दो मुझे। लेकिन कुछ लिखा तो नहीं है। खूबसूरत हो यार, कहां से आके मेरी खिड़की पे बैठ गए हो? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाहता था कि तुम्हारी सुबह मुस्कुराहट से हो, किसी चीज के लिए तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे आसमान से तारे ही क्यों ना तोड़ के लाने पड़े, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। शुक्रिया तुम्हारा मेरी सुबह खुशगवार बनाने के लिए अयास, तुम बहुत अच्छे हो मेरी जान। आई लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। हाँ अयास, वो जो थर्ड नंबर पे कार्ड था वो मुझे पसंद आया बहुत, बस वो चेरीज थोड़ी छोटी बनवा लेना कार्ड पे, वरना वो बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा। क्यों क्या अयास? वो शादी का कार्ड है, इसलिए बेहतर यही है कि वो शादी का कार्ड लगे, वरना वो चेरी फेस्टिवल का इनविटेशन लगेगा। देख लो यार, क्या हुआ है? अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके ख्याल रखना अपना तुम। हाँ टेक केयर, बाय बाय। मुझे तजुर्बा ज्यादा है, ऐसे में बोलो कि सिर्फ तुम्हें ही काम आता है, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तुम यार मेरी बात क्या हो रहा है यहाँ? हाँ कुछ नहीं, बातें कर रहे थे हम तो। ऐसी कौन सी बातें, बाहर तक आवाज आ रही है, शर्म करो, हद हो गई है। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम भी सुन लो। यार जीनिया, तुम्हारे निकाह की गवाह मैं बनूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त हूँ, ऐसा ही है ना, बता दो इन सबको। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ तुम उसकी पहले पड़ोसी थी, लेकिन अब उसकी पड़ोसी भी नहीं हो। बात सुनो यार, हम सभी जीनिया के बराबर के दोस्त हैं, हाँ इसमें कोई गलत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ क्या करता है यार? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम लोग मेरी हेल्प के बजाय यहाँ बहस कर रहे हो, रोजाना कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, और आज गवाह बनने पे बहस कर रहे हो तुम लोग। मैंने पहले ही कहा था यहाँ ये सब डिस्कस मत करो तुम लोग, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। अच्छा अब तुम अपना जज्बातीपन दिखाकर जीनिया की हमदर्दी हासिल करोगी? हाँ सब जानते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा काम है, क्योंकि बाबर की तस्वीरें भेजकर तुम हमें यूज नहीं करती हो क्या? बताओ, भूल गई? बताओ उससे बताओ। हाँ और उस पे कैप्शन भी लिखा होता है, तुम मेरी पैदाइश के गवाह हो, और मेरी अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी के भी गवाह बनो। एक ही मैसेज को नाम चेंज करके हम दोनों को भेजती हो ना तुम? अच्छा तो मैं जानती हूँ तुम दोनों पुराने दोस्त होने की वजह से यही कार्ड प्ले करोगे तुम लोग सीजिया के साथ। अभी तक यही चल रहा है यार, किस तरह समझाऊं तुम लोगों को? सुनो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए अभी तुम तीनों बाहर जाओ, ठीक है? चलो अभी कोई भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, चलो। वाकई में? क्या वाकई? हाँ कम ऑन। ये
वजह ही सिर्फ तुम्हारी वजह से, दोनों की वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम मैंने समझाया था ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। चलो भाई देखते हैं, इंशाल्लाह ये चेंजेस जीनिया को बहुत पसंद आएंगे। गुड हो गया, वो पत्ते सब हटा दिए, चेरी सेम है बिल्कुल। जीनिया और अयाज, अयाज नाम है, कितनी बार बताया मैंने कि मेरा नाम अयाज है, अयाज अयाज कौन है यार? सीनियर की शादी अयाज नाम ये आदमी से हो रही है, देखो तो। दिमाग खराब है इन सबका। जी सुनिए जरा, मैं हूं अयाज, अयाज। अरे जरा देखिए मेरी शादी के कार्ड्स पर ही आपने मेरा नाम ही गलत लिख दिया हुआ है। मेरा नाम पता क्या है? अयाज, यानी मेरे नाम के आखिर में एस नहीं आता, जेड आता है। जेड फॉर जेब्रा, जेड है जेड, एस नहीं, अयाज। लेकिन अब क्या करूं कार्ड्स का मैं? खाला का ऑपरेशन हो गया है क्या? हाँ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ओह शुक्र है। नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ, इस वक्त एयरपोर्ट जा रही हूँ। हाँ, एक दोस्त ड्रॉप कर रहा है। एक दोस्त? ठीक है अम्मी, मैं पहुँच के कॉल करती हूँ। तो शुक्र है खुदा का, ऑपरेशन खैरियत से हो गया, अच्छी खबर है। ऐसे ही है, लेकिन जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है। तो फिर वो क्या कहा था? क्या तुमने कहा? एक दोस्त ड्रॉप कर रहा है, तो क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, तुम तो जानती हो, सब नहीं बता सकती। और अगर मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता भी देती तो मेरा फोन बंद हो जाता, लेकिन उनके सवाल खत्म नहीं होते। अच्छा अच्छा, इसलिए अभी तक तुमने अपना फेसबुक रिलेशनशिप स्टेटस भी चेंज नहीं किया है? ओ जावियार, ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो यार। अरे बस मैंने देखा तो पूछ लिया यार। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुमने अपडेट क्यों नहीं किया? देखो 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 जरा, पूछ भी कौन रहा है? हाँ क्या चक्कर है मेरी दोस्त? अच्छा बस, मुझे बुरा लग रहा है। देखो जरा, इतनी बड़ी प्रोफेसर होके अपने लवर का स्टेटस चेक करती हो, बुरी बात है, सच कह रहा हूँ। बस करो यार, बहुत हो गया, खत्म अब। शादी पे भी यही करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, यानी हमारे बारे में सिर्फ अयाज और जीनिया ही जानते हैं, और अब तो वैसे भी तुम्हारा और शाइमा का रास्ता अलग हो चुका है, तो जावियार अब मैं तुम्हारे साथ हर जगह जा सकती हूँ। अरे आहिस्ता यार, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह यकीन है कि जीनिया यहाँ पर आकर अपना फैसला सुना देगी। मुझे लगता है कि उसका जो भी फैसला हो, हमें तसल्ली से मान लेना चाहिए, क्या कहती हो? मुझे लगता है कि वो जो भी फैसला करेगी सोच समझ के करेगी, ज्यादा खुश मत हो तुम। जीनिया मेरी जान, मुझे यकीन है तुम फैसला कर आई होगी, अब बता दो, इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मैं फैसला बहुत पहले ही कर चुकी, यानी मेरी शादी में जो लोग गवाह होंगे वो तुम तीनों हो। लेकिन थोड़ा मसला है, इतनी लड़ाई के बाद एक टेबल पर मैं तीनों के साथ ऐसे नहीं बैठ सकती, बिल्कुल भी, समझो इस बात को। अच्छे टर्म्स में बात कुछ और होती है, क्योंकि लड़ाई वाली बात अभी जरा ताजी है। अरे मैं तो इस सब से बाहर हो गई हूँ, इन दोनों में से किसी से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ टॉन्ट्स का जवाब दे रही थी, वरना मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हें तो मेरा नेचर पता है ना? मैं तो वैसे भी सबसे प्यार करती हूँ, थोड़ा सा गुस्सा आया था मुझे, लेकिन तुम सब के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है, क्या बताऊँ तुम्हें। तो फिर हम सब इस खुशी में एक काम करते हैं कि हम लंच पे चलते हैं। हाँ चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम सबके लिए अभी लंच बना कर लाती हूँ। हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सी फूड खाते हैं, क्या कहती हो तुम लोग? एक मिनट सीनिया मेरी जान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो, जैसे तुम हवा में हो और तुम्हें बहुत ही सुकून मिल रहा हो, ऐसी जगह चलना चाहोगी मेरे साथ? तुम अगर इतनी तारीफ कर रही हो तो चलते हैं फिर हम। ये चलो चलो। देखो तुमने तो कहा था कि हम उड़ने लगेंगे, यहाँ तो मुर्गी के पर भी नहीं है। यार शायमा पता है तुम्हें क्या,
स्कूल से हमेशा भाग के फिजा और मैं यहीं आते थे। एक और बात बताऊं, यहाँ पर एक लड़का आया करता था जो कि बहुत ही हैंडसम था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं देखता था। शायद उसको कोई और पसंद थी, जैसे शायद वो उससे प्यार करता था और अब वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये इस जगह पर? यार तुम्हें पता है, यहाँ एक लड़का आता था, उसका नाम अरकान था और फिजा उसके प्यार में पागल हो गई थी क्योंकि वो यहाँ के मालिक का बेटा था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? याद नहीं तुम्हें, हम दोनों यहाँ खाना खा खा के अजीब मोटे हो गए थे बिल्कुल। पता है फिर क्या हुआ? अरकान को तो किसी और ही लड़की से प्यार हो गया। फिजा क्या तुम अभी उसको याद करती हो? बताओ मुझे। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि फिजा की बेकार सी लव स्टोरी को रहने देते हैं और चलकर अंदर विंग्स खाते हैं। चलो चलो। अयास, क्या तुम्हारा बैचलर पार्टी का कोई इरादा नहीं है क्या? अरे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, जीनिया पहली बहुत परेशान है, कहीं रिस्की ना हो जाए हमारे लिए। यार अच्छा चलो ठीक है, सारे मिलकर मेरे घर पर आ जाओ, हम सब मिलकर कोई वीडियो गेम टूर्नामेंट खेल लेंगे, क्या कहते हो? अरे यार प्लीज आखिरी बार मिल लो ना, क्योंकि मैं जानता हूँ शादी के बाद अयास के पास टाइम नहीं होगा। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दोस्ती अपनी जगह और शादी अपनी जगह, समझ गए? तुम भी सुन लो शामिर, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं। ठीक है आ रहा हूँ। क्या मतलब इस बात का कि तुम्हारे जैसा नहीं हूँ? मैंने तो खुद ये पार्टी करने का मशवरा दिया है। अच्छा बस भी करो, सारे मेरे घर पर आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक मिनट बात सुनो मेरी, तुम लोग मेरे ही घर पे आ जाओ ना, क्योंकि मुझे सुबह बहुत सारे काम भी तो करने हैं ना। बोल भी कौन रहा है जो मेरे जैसा नहीं है? अब क्या हुआ, जीनिया के डर से जावियर के घर नहीं जा रहे तुम? हाँ यार वैसे सच कहूँ तो मुझे पता क्या लगता है, शायद तुम खुद घर से बाहर नहीं जाते हो ना बीवी के डर से, इसलिए मेरे बारे में भी ये सोच रहे हो। क्या मुझे कह रहे हो तुम? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ समझे। अच्छा अच्छा बस भी करो, सारे अयास के घर पर आ जाओ, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ, फोन रख रहा हूँ अब मैं। ठीक है अल्लाह हाफिज़। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे लगता है शामिर के लिए मैं बस उसके बच्चे की माँ हूँ। पता नहीं ये बात कैसे समझाऊंगी मैं, शादी के बाद सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि हर चीज ही खत्म हो जाती है। ज़ीनिया तुम्हारा वेडिंग ड्रेस और सारी लड़कियों के ड्रेस बिल्कुल तैयार है। ज़ावियर मैं बहुत डर गई थी, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था ज़ावियर, डर गई थी मैं। शायद तुम्हारा वहम भी हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई तुम यहाँ आए।